कि इन कविताओं में जो मुखचंद रचनाएं हैं उनमें भी संवेदनाएं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि आदमी उन्हें भूल नहीं पाता, चाहे वो शिक्षक हुआ। वैसा ही उनका मुख प्रश्न हुआ। अब इसमें जो कहानी वाली लड़की है, ये नाम आभाजी ने रखा या विवेक जी ने रखा या उन्होंने रखा, कारण क्या है कि हर कविता में एक छोटी सी कहानी है जो मैंने, क्योंकि मुझे अभी अभी किताब मिली हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, तो उसमें मैंने देखा कि हर कविता कुछ कहती है आपसे, और अगर कविता कुछ कहती नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो कविता है। कविता पे लंबाई पे मत जाइए, उसकी बहुत उसमें गहराई में मत जाइए। कविता आप पढ़ें लेकिन जो दो लाइनों के बीच में खाली जगह उसको भी पढ़ें, वहां भी पढ़ने वाली चीज है। क्यों कि तुम्हारा चेहरा कांच वाली दीवार के उस पार से झांकता है। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कांच वाली दीवार के उस पार से झांकता, कुछ कहता व कुछ सुनने का यत्न करता और कभी पास बुलाता। अब सोचने को देखिए कि कांच वाली दीवार से, तो अब ये कुछ कहना चाहता है, कवित्री कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो पूरी बात इन लाइनों में नहीं, वो आगे आकर के आती है। कांच की दीवार के उस तरफ से, कांच की दीवार के उस तरफ से न सुन के भी सुन रही हूं तुम्हें। एक माध्यम है, माध्यम बीच में है कि वो जो तुम नहीं कह रहे हो वो भी मैं सुन रही हूं। तो कांच की दीवार की उस तरफ से न सुन के भी सुन रही हूं तुम्हें, तुम्हारी सम्मोहित हंसी को समझ रही हूं, तुम्हारे हर संकेत को। तो ये अपने आप में ही बहुत सारी चीजें कह जाती है कविता। मैं अंत में है, मैं यूं ही मुस्कुराती रहूंगी जलते रेगिस्तान में, दूर होकर भी तुम्हें पास पाकर। मैं यूं ही मुस्कुराती रहूंगी जलते रेगिस्तान में, दूर होकर भी तुम्हें पास पाकर। अगर तुम हो तो मेरे लिए जलता हुआ रेगिस्तान क्या है, कोई माने नहीं करता। यानी तुम मेरे हो, अगर मेरे पास हो तो मैं दुनिया की हर मुसीबत को पार कर जाऊंगी। इसका सारांश यही है इस कविता का। एक में क्या है कि दमकते मस्तक पर खिंचे लंबे टीके, तो मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ ये कि आभारी अगर इसको तिलक करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, टीका छोटा होता है। क्योंकि आगे वो क्या लिखती हैं कि दमकते मस्तक पर खिंचे लंबे टीके से होकर जाता है रास्ता एक बड़े कारोबार का। तो तिलक जो होता है वो ज़्यादा लंबा होता है और टीका छोटा होता है। तो खैर एनीवे, अर्थ तो वही है बिल्कुल भी, कि दमकते मस्तक पर खिंचे लंबे टीके से होकर जाता है रास्ता एक बड़े कारोबार का। डरी सहमी झुकी आंखों को नियंत्रित कर रीढ़हीन जंतु बनाने की कवायद, लंबा चोगा गोल जालीदार टोपी। आप गौर करिएगा कि ये कविता क्या कह रही है, देखें इस बात पर कि ये कविता कहती क्या, ये शब्द क्या कह रहे हैं। तो डरी सहमी झुकी आंखों को नियंत्रित कर रीढ़हीन जंतु बनाने की कवायद, लंबा चोगा गोल जालीदार टोपी, अधखुली षड्यंत्रकारी आंखें। कभी देखिए आंखों को आप, कोई कौन कैसे देखता है। तो जो आमतौर पर फिल्मों में डॉन दिखाए जाते हैं, डॉन, तो वो बड़ा उनमें लाइट क्या, उनमें टॉर्च भर देते हैं आंखों में जो आपके आर पार हो जाए, और उन तीखी आंखों से देखते हैं जैसे टाइगर देखता है। तो अधखुली षड्यंत्रकारी आंखें रहस्यमयी शब्दों को बुदबुदाते, भद्दे होठ पकड़ते हैं, जकड़ते हैं भोले भाले डरे सहमे कांपते जुड़े हाथों को। तो अपने आप में कविता जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में। और इनकी जो छोटी छोटी कविताएँ भी थी जो मैंने देखी, बहुत दो चार शब्दों की कविताएँ हैं। हाँ, इन्हीं कविता, जब मैंने कहा था ना कि लंबाई पे मत जाइए, कभी का छोटा होता है, तो खैर एनीवे, अर्थ तो वही है बिल्कुल भी, कि दमकते मस्तक पर खिंचे लंबे टीके से होकर जाता है रास्ता एक बड़े कारोबार का। डरी सहमी झुकी आंखों को नियंत्रित कर
रीढ़हीन जंतु बनाने की कवायद, लंबा चोगा गोल जालीदार टोपी। आप गौर करिएगा कि ये सब, ये कविता क्या कह रही है, देखें इस बात पर कि ये कविता कहती क्या, ये शब्द क्या कह रहे हैं। तो डरी सहमी झुकी आंखों को नियंत्रित कर रीढ़हीन जंतु बनाने की कवायद, लंबा चोगा गोल जालीदार टोपी, अध खुली षड्यंत्रकारी आंखें। कभी देखिए आंखों को आप, कोई कौन कैसे देखता है। तो जो आमतौर पर फिल्मों में डॉन दिखाई जाते हैं, डॉन तो वो बड़ा उनमें लाइट क्या, उनमें टॉर्च भर देते हैं आंखों में जो आपके आर पार हो जाए, और उन तीखी आंखों से देखते हैं जैसे टाइगर देखता है। तो अध खुली षड्यंत्रकारी आंखें रहस्यमयी शब्दों को बुदबुदाते, भद्दे होठ पकड़ते हैं, जकड़ते हैं भोले भाले डरे सहमे कांपते जुड़े हाथों को। तो अपने आप में कविता जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में। और इनकी जो छोटी छोटी कविताएँ भी थी जो मैंने देखी, बहुत दो चार शब्दों की कविताएँ हैं। हाँ, इन्हीं कविता जब मैंने कहा था ना कि लंबाई पे मत जाइए कभी, ये पेज 85 पर है। रंग न मेरा कोई न मैं किसी की, जो रंग दिया जिंदगी ने हो गई उसी की। जो रंग दिया जिंदगी ने, यानी जहां भी मुझे बिठाया गया मैं बैठ गई, जहां भी मुझे भेजा गया मैं वहां की हो गई। तो न मेरा कोई न मैं किसी की, जो रंग दिया जिंदगी ने हो गई उसी की। ये कविता समाप्त हो गई चार शब्दों में। उसी तरह से क्या पता इन अश्कों को आंखों से गिरने न देना। अभी शायद किसी ने जिक्र भी, आपने ही जिक्र किया था शायद ममता जी ने, इन अश्कों को आंखों से गिरने न देना, इन ख्वाबों को नींदों में खोने न देना। विशेषता यह है इस कविता की कि इसमें रिदम साथ साथ चल रहा है, इसमें लय साथ साथ चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुक्त छंद रचनाएं ऐसी नीरस होती हैं, नीरस होती हैं छंद मुक्त रचनाएं। मुक्त छंद कभी नीरस नहीं होता, उसमें रस होता है, उसमें लय होती है। और मुक्त छंद में क्या है कि वो शब्द बहुत कुछ कहते हैं। कविता का एक शब्द भी कविता बन जाता है अगर उसमें अर्थ समाहित हो। अर्थहीन शब्द किस काम का है। तो इन अश्कों को आंखों से गिरने न देना, इन ख्वाबों को नींदों में खोने न देना। क्या पता ये अश्क किसी सीप का मोती बन जाए, क्या पता ये अश्क किसी सीप के मोती बन जाए, क्या पता ये ख्वाब किसी उड़ान की मंजिल बन जाए। ये कविता तो दोस्तों कविता मुख्य कार्यक्रम बोलते रहते हैं अच्छी, तो दोस्तों खूब बिकती है कविताएं, ऐसा नहीं है। ये प्रकाशक पर निर्भर करता है और उस किताब के अंदर समाई हुई कविताओं पर निर्भर करता है। अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए, यही मैं कहूँगा। आप भी और आगे बढ़ें और अच्छी किताबें आएँ और अच्छी कविताएं आएँ, फिर हम लोग मिलें, यही मेरा आशीर्वाद।